वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं नींबू से वशीकरण। जी हाँ, आपके रूठे हुए प्यार को वापस पाना चाहते हैं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। बेहद आसान उपाय है, जो कि सिर्फ एक नींबू से आपका ये उपाय हो जाएगा। आपको बस करना क्या है, बहुत ही आसान एक मंत्र है जिसका उच्चारण करना है। नींबू को हाथ में लेना है आपको, और साथ ही साथ आपको उच्चारण करना है। जी हाँ, मंत्र है बेहद आसान, मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं क्या है ये तरीका जिससे आप एक नींबू के द्वारा अपने रूठे हुए प्यार को मना सकते हैं, या फिर अगर आपके जीवन में प्यार नहीं है तो आप उस प्यार को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं। बस आपको ये मंत्र, इसका उच्चारण करना है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन आपको श्री कृष्ण के मंदिर में जाना है और उसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करिए श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने खड़े होकर, और उसके बाद आपको घर पर आना है। ये इस तरह से एक नींबू लेना है और उसके बाद नींबू को अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद आपको इसका उच्चारण करना है। इस तरह से बोलना है कि आपको ये जो मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण 21 बार अपने घर पर आने के बाद करना है, और नींबू को अपने ऊपर से 7 बार वार कर उसके बाद आपको अपने सामने रख लेना है। 21 बार मंत्र का उच्चारण कीजिए, उसके बाद इस नींबू के ऊपर आपको फूंकना है। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी उपाय है ये, जो कि तुरंत असर दिखाता है आपके जीवन में, आपके लाइफ में प्रेम को आकर्षित करता है। जो भी आपके जीवन में प्रेम से संबंधित समस्याएं हैं उन्हें दूर करता है, तो आप इसे बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में प्रेम आ जाएगा। और अब बस आपको करना क्या है कि जब नींबू पर आपने 21 बार ये मंत्र पढ़ा, आपको ये नींबू अपने बिस्तर पर अपने तकिए के नीचे रख देना है, और उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह आपको उठना है और चौराहे पर जाकर ये नींबू पीछे की तरफ फेंक देना है। यानी कि जिस तरफ आप खड़े हैं उसके पीछे की तरफ आपको उछाल कर इसे फेंकना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चुपचाप अपने घर आ जाइए और अपने घर पर आकर नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, और याद रखिएगा कि आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका रूठा हुआ प्यार आपके जीवन में वापस आ जाएगा। अगर कोई और समस्या है, कोई और आपके दिमाग में कुछ और परेशानी है, कोई सवाल है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में देंगे आपको कोई और जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।